स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए मुझे उसको सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है, तो घर वाले कई बार बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है डॉक्टर साहब अगर स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। स्पाइन सर्जरी में कितनी देर में रिकवरी आएगी या कितने टाइम में मरीज़ पहले जैसा हो जाएगा डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी टाइप की सर्जरी हो रही है। अगर स्लिप डिस्क की सर्जरी की बात करें तो मरीज़ अगले दिन से ही चलने लगता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी या अगर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो 6 घंटे बाद जैसे ही एनेस्थीजिया का इफेक्ट जाता है तुरंत मरीज़ चल सकता है और अगले दिन से अपने टॉयलेट भी जा सकता है, नहा धो भी सकता है और वॉक कर सकता है। बूढ़े लोगों में कई बार लंबर कैनाल स्टेनोसिस में हमें स्पाइनल डिकम्प्रेशन करना होता है या नसें दबी हुई होती हैं, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, तब भी मरीज़ अगले ही दिन से सर्जरी के जैसे एनेस्थीजिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होता है उसके बाद चल सकता है, अगले दिन से अपना टॉयलेट भी जा सकता है, नहा धो सकता है और घर पर चहलकदमी कर सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे स्पाइन ट्यूमर हो गया है। स्पाइन ट्यूमर में कुछ मरीज सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कमर में दर्द है, उनके पैर चल रहे होते हैं, उनको और कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे मरीज़ भी अगले दिन से चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। कुछ मरीज़ जिनके पैर ऑपरेशन से पहले ही नहीं चल रहे हैं या वीकनेस है, उनको रिकवरी आने में टाइम लगती है, जैसे 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर स्पाइन फ्रैक्चर है जिसके लिए स्पाइन को फिक्स करना पड़ रहा है, उसके लिए भी अगर ऑपरेशन से पहले पेशेंट के पैर चल रहे हैं तो मरीज़ अगले दिन से चल सकता है। अगर मरीज़ के पैर ऑपरेशन से पहले ही नहीं चल रहे हैं, उसमें कमज़ोरी आ गई है, तो ऐसे मरीज़ों में कई बार रिकवरी आने में 2 से 3 महीने लगते हैं या कई बार रिकवरी नहीं आती है। तो जो मरीज़ जैसे हमने स्पाइन सर्जरी करी और अगले दिन से हमने कहा चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो अगले 15 दिन में बहुत चलने लगते हैं, लगभग 2 किलोमीटर सुबह 2 किलोमीटर शाम चल सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अपने पुराने वर्क पे आ सकते हैं, जैसे कि वो झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं या कोई अगर खेतों पे जाता है खेत भी जा सकता है, अपने ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकता है, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अपने पुराने वर्क शेड्यूल पे वो आ सकता है। इसलिए यूजुअली स्पाइन सर्जरी से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानने की ये ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलें, देखें आपको क्या बीमारी है और जो वो सलाह दे उसको फॉलो करें। थैंक यू।